लगभग का है कि अगर व्यापारी नहीं जा रहे तो कोल्डवा जा रहे हो। अच्छा, तो कोल्डवा ना जा रहा तो व्यापारी जा रहा, मतलब आलू आओ चैन में, किसान चैन में, किसान चैन में जा सकता, किसान के ब्यौरा को ना को हतो है। अच्छा, ना आगरा डिस्ट्रिक्ट है 80, आगरा डिस्ट्रिक्ट आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी? 75 ही रहेगी और बल्कि 70 ही। अच्छा, अब जो मान लो तो ये लोडिंग सदी गई है, अगर ये लोडिंग दो दिन में रेंज फिर आवत है तो फिर लोडिंग निकली तो फिर कोल्डा जाओ कहां से आलू। अच्छा, पिछले साल की लोडिंग और इस साल की लोडिंग में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पिछले साल तो ज्यादा टाइम लोडिंग ही नहीं थी, मार्च में कोई लोडिंग नहीं, मार्च में कोई लोडिंग नहीं थी, कोई लोडिंग नहीं। इस साल कब से शुरू हो गई? ये साल तो पूरी मार्च की लोड हो तो भाई, नए कच्चे आलू खुद रहे हैं जब तक लोडिंग आ रही है। तो डंप की स्थिति ज्यादा बनती हुई नहीं दिख रही है, डंप वाला किसान कर नहीं पाएगा ज्यादा, कर नहीं पाएगा, जो कर नहीं दे कोल्ड वाला करने दे रहे भाई, वो कोल्ड खाली तो खेच रहे हो, चल भाई मैं दे रहा हूँ तो चीज रहो। तो कोल्ड वाले क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं अभी किसानों को? 105 रुपए कट्टा की रेट कर रहा हो, कोई 100 रुपए ही कर रहा हो, कोई 110 की, कोई ट्रोला भाड़ा फ्री कर रहा हो। इस समय मैं अभी शमशाबाद में हूँ और यहाँ पर मैं एपी रोड लाइंस पर हूँ और मेरे साथ में भैया हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और थोड़ा सा भैया से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पिछले साल की और इस साल की लोडिंग में क्या अंतर है, करीब इस समय क्या स्थिति होगी शमशाबाद से बाहर की लोडिंग के लिए। भैया पिछले साल भी थी आपकी कंपनी, किस साल से शुरुआत की है? नहीं नहीं, कंपनी 10 साल है। 10 साल से है कंपनी, तो 10 साल से है। अच्छा, पिछले साल की लोडिंग और इस साल की लोडिंग में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पिछले साल तो ज्यादा टाइम लोडिंग ही नहीं थी, मार्च में कोई लोडिंग नहीं, मार्च में कोई लोडिंग नहीं थी, कोई लोडिंग नहीं पिछले। तो आप बता रहे हो पिछले साल मार्च में कोई लोडिंग नहीं थी, पिछले साल की लोडिंग की बात करो तो कब से शुरू हुई थी पिछले साल लोडिंग? पिछले साल तो अप्रैल में शुरू हुई, जाके 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल से। इस साल कब से शुरू हो गई? ये साल तो पूरी मार्च की लोड हो तो है, नए कच्चे आलू खुद रहे हैं जब तक लोडिंग आ रही है, कच्चे आलू से लोडिंग हो रही है, वो भी साउथ इंडिया की, तो कबू ना भाई जब आलू छिले तब तक आलू जा रहा है चेन्नई, प्लस साउथ में छिला आलू भी गया है। क्या साल तो वो आलू गए हैं, तुम सोच ना सकते ऐसे आलू गए। अच्छा, साउथ में अभी इस समय पढ़ने की आपके पास से कितनी गाड़ी निकल रही है साउथ के लिए, महाराष्ट्र के लिए या कहीं के लिए भी, मतलब बाहर के लिए? समझावा हमारे पास तो 6 से 7 गाड़ी डेली चेन्नई मदुरई तिरुची निकल रहे हैं। 6-7 गाड़ियां आपके पास है निकल रही है। शमशाबाद की बात करूं, शमशाबाद में ओवरऑल कितनी इस तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनी होंगी जो बाहर की लोडिंग करवाती होंगी? जैसे ज्यादातर गाड़ी महाराष्ट्र लाइन की लोड कर विभाग की कंपनी है, यहाँ 2 ही कंपनी है अन्ना गाड़ी की। अच्छा, तो वही 14-15 गाड़ी हमारी 2 कंपनी से निकल रही है, ये तो अन्ना के लिए निकल रही है, साउथ के लिए निकल रही है। ओवरऑल महाराष्ट्र महाराष्ट्र मिला के पूछ रहा हूँ, सब गाड़ी तो बहुत निकल रही है, करीब 100 तकरीबन 100 वाली पर डे की, पर डे की, तो एक गाड़ी में करीब 500-600 की, नहीं 350 कट्टा भाई ज्यादा निकल रही है। हाँ। और ये गाड़ी 500 कट्टा की, अन्ना गाड़ी 500 कट्टा, कट्टा के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करो तो पर डे कितने कट्टे निकल रहे होंगे? कट्टा जैसे 100 को मतलब 100 गाड़ी में 400 कट्टा को एवरेज मान, तो 40,000 कट्टा, 40,000 कट्टे पर डे शमशाबाद से बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं डेली जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो 40,000 कट्टे निकल रहे हैं पर डे के। पर डे बहुत बड़ी लोडिंग है, लोडिंग ज्यादा है, अब तो 2 दिन तक कम चल रही है, नहीं 12-12 गाड़ी लग रही 5 दिन पहले। अच्छा, हाँ अब 3 दिन तक कम लग रही, 7-6-7-6-7। आप 10 साल से लगातार ये काम कर रहे हो? ये काम कर रहा है 10 साल में, अब इस साल में, मतलब इससे पहले भी कोई ऐसी साल थी कि इस तरह की लोडिंग आप? जिस साल ज्यादा है, जा साल एक तो कलर इतना 10 साल में पहली बार निकल रहा है आलू में, इतना कलर फास्ट, मतलब इतना बढ़िया आलू पहली बार, पहली बार, भले ही पैदावार कम है, पैदावार कम है लेकिन कलर बहुत ज्यादा हैवी निकल रहा है। अच्छा, कलर बहुत ज्यादा कलर निकल रहा है, मतलब क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया निकल, क्वालिटी बहुत बढ़िया निकल कलर के मामले में, कलर के मामले तो डिमांड है रही है, कलर बहुत बढ़िया, साउथ में ज्यादा डिमांड है। हमारे साथ व्यापारी भी बैठे हैं, इनसे जरा थोड़ी सी बातचीत करेंगे, पूछेंगे किस तरह के सौदे हो रहे हैं क्षेत्र में और किस तरह के ले रहे हैं, इनसे बाद में पूछेंगे, पहले भैया से जान लें कि हो सकता है तो 1-2 रुपए मत ही बताएंगे बढ़िया आलू लेने के चक्कर में। वैसे सौदे क्या हो रहे हैं धर्मेंद्र भैया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 15 रुपए आते 16.5 रुपए तक, 15 से 16.5 तक मोहन आलू और जो वेराइटी आलू है ना जी, 15-15.5 रुपया। अच्छा, 3 से 2 आलू 16.5 रुपए बिक रहा। इससे ऊपर भी सौदे हुए हैं? हाँ, 1711 रुपया के सौदा पड़े हैं लोगों ने, कि अभी उठे ना। तो ये एक आदमी से कुछ मंडी डाउन है, हाँ, इस वजह से नहीं उठे। 1711 रुपया के आलू रखे हैं लेकिन सौदा है चुके हैं, पर वो ढकते हैं आलू,
दो चार दिन में लोड होंगे, मतलब होली पहले पहले लोड आ गए। अच्छा, गोभी के खेतों की भी आपके यहाँ खुदाई शुरू हो गई? हाँ, शुरू हो गई। जिस तरह की लोडिंग है उस हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, डंप की क्या स्थिति रहेगी? गोभी के खेतन को डंप नहीं लग पा जा साल, लेकिन अभी शुरू करे हैं तो भाई ग्रेडिंग करके गोभी के खेतन को डंप करते हैं, तो अभी मैंने खुदाई शुरू कर दी, दो तीन दिन डंप करवे में लगेंगे, ग्रेडिंग करके डंप करते हैं। और लगभग का है कि अगर व्यापारी ना जा रहे तो कोल्डवा जा रहे हो। अच्छा, कोल्डवाना जा रहा तो व्यापारी जा रहा, मतलब आलू आओ चैन में, किसान चैन में, किसान चैन में जा सकता, किसान के ब्यौरा को ना को हतो है। अच्छा, कोल्डो की क्या स्थिति है? कोल्ड कछु कोल्ड अभी आधे आधे है, कछु 70% तकरीबन है गए हैं, और जो मान लो कोल्ड अभी फुल को ना हो। ओवरऑल आपके हिसाब से कितने तक कोल्ड पहुंच जाएंगे, कितने परसेंट? 75% है जाए, 75% है जाएंगे सब मिला के, सब मिला के पूछ रहा हूँ। कछु तो फुल हुआ जाएंगे, कछु आधे ही रह जाएंगे, कछु आधे से कम रह सकते रह सकते हैं। 75% को एवरेज आपको पूरी यूपी में ही जाइए, आपको पूरी यूपी में 75% को रहेगा, कम ही रह सकते। फरक्काबाद कम है अभी 60% है। नहीं, फरक्काबाद मेरी जानकारी में आया 70 से ऊपर चल रहा है। अब भाव दो दिन आते हैं, फरक्काबाद पार्टी से बात हुई है। अच्छा, अब 70 तकरीबन है, जो करे 5% और आ जाओ 75 रह जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन 80 ना आ रहा, 80 ना आ रहा फरक्काबाद ना, आगरा डिस्ट्रिक्ट है रही 80। आगरा डिस्ट्रिक्ट आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी? 75 ही रहेगी और बल्कि 70 ही। अच्छा, अब जो मान लो तो ये लोडिंग सदी गई है, अगर ये लोडिंग दो दिन में रेंज फरा आवते तो फिर लोडिंग नहीं करी तो फिर कोल्ला जाओ कहां से आलू? आलू तो बिते है ना, को अब बड़े तो रोना बवाई तो ना हरी नहीं बात भाई, तो हरी ये रोड घटी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो डंप की स्थिति ज्यादा बनती हुई नहीं दिख रही है, डंप वाला किसान कर नहीं पाएगा ज्यादा, कर नहीं पाएगा, जो कर नहीं दे कोल्ड वाला करने दे रहा भाई, वह कोल्ड खाली तो खेच रहा हो, चल भाई मैं दे रहा हूँ तो चीन रहा हूँ। जब कोल्ड वाले क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं अभी किसानों को? 105 रुपए कट्टा की रेट कर रहा हूँ, 100 रुपया ही कर रहा हूँ, 110 की को ट्रोला भाड़ा फ्री कर रहा है। तो कुल मिला के किसानों कहीं ना कहीं सहूलियत मिली रही है, किसान के आनंद है। कुल मिला के किसान को आनंद है, बाकी जोरा को ना को पहुंच ही रहा है। मेरे साथ में व्यापारी है रामलाल जी, तो साहब बताओ कैसे सौदे खरीद रहे हो, कैसे सौदे करवा रहे हो? आलू हमने आज 14 रुपए भी लिया है, 15 लिया है, 16 भी लिया है, कल 16.5 लिया। अच्छा, आलू जैसी क्वालिटी जैसे भाव। इस साल आपका इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा सौदा कौन सा रहा है, कितने का रहा है? इस साल का सबसे ऊंचा सौदा रहा 1751 रुपए सौदा हुई थी आपने ली है, 1751 की आपने ली है ना? हाँ जी जी, आपने 1751 का लिया है? 1751 लिया। कितने पैकेट का था आपका ये सौदा? करीब मैंने 2 गाड़ी ली थी, ज्यादा नहीं ली थी। 2 गाड़ी करीब कितनी पैकेट? 700 पैकेट, 1000 पैकेट। तो पेमेंट की कुछ कंडीशन है इसमें कि नगद पेमेंट था इसमें? नहीं, बोलो पेमेंट की टाइम पे 10 दिन के अंदर 15 दिन पेमेंट दिया जाता है। 10-15 दिन का टाइम रहता है, मतलब ये तो नहीं है कि आप 2-4 महीने की उधारी हो? नहीं नहीं नहीं, वो स्थिति नहीं है, ऐसे काम नहीं करते हो? नहीं, काम नहीं, काम वाली बात नहीं कह रहा मैं भाई, वो तो व्यापार है, व्यापार में तय हो जाता है, कभी कभी होती है चीजें भाई साहब, तब पैसे देंगे अब देंगे, अब इस बार तेजी है वो एक अलग बात है, लेकिन भाई व्यापार तो सब तरीके से होता है, जैसे पटरी खा जाए वो वाली स्थिति है। इस साल तो ऐसी बात है कि जहाँ तेरे कैश में जाना काम है, नगर में, नगर में हरकाऊ आलू मिलना रहो, ब्रांड ब्रांड आदमी आलू मिल रहा हो। कितनी गाड़ी रोज बाहर निकाल रहे हो? हमारी गाड़ी जा रही है 3-4 गाड़ी रोज, 3-4 गाड़ी रोज बाहर भेज रहे हो? तो साउथ की लोडिंग है क्या, महाराष्ट्र वगैरह ही कर रहे हो? साउथ की है, साउथ ही कर रहे हो, महाराष्ट्र वगैरह की नहीं कर रहे? आलू क्वालिटी जी जी बताओ, आप ये बताओ इस क्वालिटी का आलू आज की रेट में किस रेट का है? आज की रेट में 16 रुपए का आलू है। 16 रुपए का? किसान है 16 रुपया पकड़ के बैठ गए, मार्केट डाउन है थोड़ी। अच्छा, 10-20 ऊंच नीचे जाते, पर रेंज सोने से नहीं आलू रह गई, 10-20-25 17-11 रुपए का 17-11 को 1750। मंडिया किस वजह से टूट गई? थोड़ी बहुत जो टूटी है, ज्यादा आवक की वजह से टूट गई, ज्यादा आवक की वजह से ज्यादा लोडिंग आ रही है, ज्यादा लोडिंग। खेत में आलू खुद के रखो ना जा रहो, ठंडो ना करो जा रहो, भरो लोड करो, नहीं तो किसान को मिल रहा अच्छा पैसा, तो वो भी सोच रहा है कौन रात भर सोए आलू के ऊपर, कौन इतनी मेहनत करे। सही बात है, वो वाली बात है।